सो हेलो एवरीवन तो आप में से ही एक यूज़र हैं साइलेंट नाइट उन्हीं ने यह रिक्वेस्ट किया है कि सर फ़ाइव ईयर प्लान हमारे करवा दीजिए तो आज के आज की इस वीडियो हम लोग यही करने वाले हैं बिकॉज़ फाइव ईयर प्लान इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको बोला कि नाइन्थ ऑफ अप्रैल तक मैं आपको शॉर्ट्स ऐसे वीडियो दूंगा छोटे छोटे तो उसमें से इन्होंने रिक्वेस्ट किया साइलेंट नाइट ने सर फाइव ईयर प्लान करवा दीजिए बिकॉज इसे ईयर क्वेश्चन में आए हैं बिल्कुल आए हैं क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं एन का भी सी का भी और दोनों में ही क्वेश्चन आए हैं फाइव ईयर प्लान से तो इनको बोल रहे हैं कि सर मेरा इतना स्कोर आ रहा है एन में गैट में थ्री सेवेंटी वन मैथ्स में इतना और टोटल फाइव थर्ट बैठ रहा है जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है और बोल रहे हैं कि सर प्रीवियस पेपर की तरह ही इस बार पेपर आया तो बिल्कुल मैं काफ़ी मेरे इनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे तो मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर पेपर के ही बेसिस पे आएगा बिकॉज पहले भी आपको यू एग्ज़ाम ले रहा था और टेंथ अप्रैल वाला भी एग्ज़ाम यू पी लेगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो चलिए अब टॉपिक शुरू कर लेते हैं तो मॉर्निंग में मैंने आपको क्या करवाया था मैंने एनवायरनमेंट कन्वेंशन करवाए थे और वो दस मिनट का टॉपिक था सिर्फ आप उसको उसमें दस मिनट इन्वेस्ट करने की जरूरत थी आपको बस देखना है क्या क्या है और मैंने इंपॉर्टेंट वाले बता दिए थे ऐसे ही बाकी लेक्चर्स भी प्लेलिस्ट में डले हुए हैं आप उनको एक बार देख के सारे लेक्चर्स ज़रूर दे के जाना और जितने भी मैं शॉर्ट्स वीडियो यहाँ पर लाऊंगा और प्रीवियस ईयर पेपर सारे आप लगा के जाएंगे ये जो है आपको करना है और कल हम लोग आखिरी प्रीवियस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे सीडीएस और एनडीए वाला और इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूँगा ये नोट्स भी सारे नोट्स और इसके अलावा मैं आपके जो कल पेपर सॉल्व कराऊंगा उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा और मैंने आज बोला भी था आपसे कि कल आप सेशन में आएंगे तो उसको अटैम्प्ट करके आएंगे ऐसा नहीं कि जब मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ सारी चीज़ें वो आप सीधे जाकर टेंथ ऑफ़ अप्रैल को एग्ज़ाम वाले देने अटैम्प्ट करोगे वहाँ अटैम्प्ट नहीं हो पाएंगी एंग्जाइटी स्ट्रेस में वहाँ पर नहीं लग पाएंगी पहले आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा सिंपल सी चीज़ है और कल सी डी एस वालों के लिए मैं इकनॉमिक्स का पूरा वीडियो ला रहा हूँ एक वीडियो में पूरा इकनॉमिक्स खत्म कर दूंगा और मेरा टारगेट रहेगा कि तीस मिनट तक मैक्सिमम वेट हो जाए तीस मिनट से ज़्यादा करना जाए ताकि आप उसको आधे घंटे में फिनिश अप कर सकें और मैं आपको लिख के देता हूँ कि वहाँ से थर्टी मिनट्स का मैं जितना भी लेक्चर्स डालूंगा इकोनॉमिक्स का अगर इकोनॉमिक्स के पांच क्वेश्चन आते हैं बता रहा हूँ तो तीन क्वेश्चन आपको उसी लेक्चर से देखने को ही मिलेंगे सिंपल ठीक है प्लानिंग इन इंडिया ठीक है सबसे पहली बात इंस्पायर्ड कहाँ से है ये यू यानी सोवियत यूनियन से इंस्पायर्ड है बिकॉज वहाँ पर सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था लेनिन ने और वहाँ से हम लोगों ने जो एस को लिया था ठीक अब फर्स्ट फाइव ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था 1951 से लेके 56 तक किस मॉडल पे बेस था ये हैरत डोमर मॉडल पे बेस था इसका ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन बिकॉज हम लोगों ने जस्ट इंडिपेंडेंस गेन किया था और हम फूड सरप्लस कंट्री नहीं थे यानी कि हमारे एक तरह से एक तरह से भुखमरी की हालत थी क्योंकि अंग्रेजों ने दबा के लूटा था सिंपल सी बात यह है तो इस वजह से पहले हमें एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाना था और एग्रीकल्चर में सरप्लस बनना था तो इस वजह से फाइव फर्स्ट फाइव ईयर प्लान प्लान का जो ऑब्जेक्टिव रखा गया वो एग्रीकल्चर इरीगेशन पर रखा गया और इस फर्स्ट फाइव ईयर प्लान के दौरान पे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी लाया गया नहीं हम दो और हमारे दो सिंपल डैम्स कंस्ट्रक्ट किए गए जैसे बाखला नंगल डैम और सतलज रिवर हीराकोट डैम और कौन सी महान नदी महानदी ठीक है और ये आपका हमने देखा था कि लॉन्गेस्ट डैम है और उड़ीसा में सिचुएटेड है टारगेटेड ग्रोथ ग्रोथ रेट इसमें दो पॉइंट एक परसेंट का था टू पॉइंट वन और अचीव कितना कि हमने थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट यानी काफ़ी सक्सेसफुल रहा बस आपको इतनी चीज़ें याद रखनी फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में ठीक है सेकेंड फाइव ईयर प्लान में आते हैं ये आपका पी सी मॉडल पर बेस्ट था इसका ऑब्जेक्टिव हेवी इंडस्ट्रीज था हैवी इंडस्ट्री को सेटअप करना और ये तीन स्टील इंडस्ट्री हैं जो सेटअप की गई रॉर केला भिलाई और दुर्गापुर में रॉर किला उड़ीसा में भिलाई छत्तीसगढ़ में दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में और ये किस कंट्री की मदद से सेटअप किया गया किस कंट्री ने सपोर्ट किया रा और को बनाने के लिए जर्मनी ने सपोर्ट किया भिलाई को रशिया ने सपोर्ट किया दुर्गापुर को ब्रिटेन ने सपोर्ट किया ऐसे याद रख सकते हो कि जर्मनी ने केला खाया और दुर्गा जी की पूजा ब्रिटेन ने की ऐसे करके जैसे भी आपको याद रखना बट इनको याद रखना है आपने ठीक है टारगेटेड ग्रोथ रेट ग्रोथ रेट था, था 4.5 परसेंट का जो अचीव था वो थोड़ा सा कम था 4.27 परसेंट था ठीक है अब आते हैं थर्ड फाइव ईयर प्लान में 1961 से लेके 66 मतलब वन ऑन वन चलता रहा 1951 से लेके पाँच साल छप्पन तक वो चला पहला फिर आपका छप्पन से लेके इकसठ तक चला जो सेकंड फाइव फीय प्लान था और थर्ड जो है एक के बाद चलोगे गए तक तो चला जैसे कि पहला था हेरा डोमर दूसरा था पीसी सी नो महालम्बिस तीसरा था आपका गडगिल योजना यानी गडगिल फॉर्मूला पे बेस था तो इस वजह से गडगिल योजना इसको बोला ये बैंक आपकी सेटअप की गई आई डी बी और यू बैंक इसके टाइम पर और जो बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्लांट है उसको थर्ड फाइव फीय प्लान के दौरान सेटअप किया गया झारखंड में है एंड विद द सपोर्ट ऑफ रशिया तो जो हमने पहले तीन ये प्लान देखे थे तो और भिलाई दुर्गापुर ये सेकंड फाइव ईयर प्लान के दौरान थर्ड फाइव ईयर प्लान के दौरान भी आपका इसको सेटअप किया गया था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बाकी एफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और सी जो ये मैंने आपको बता रखा है जो एम यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपका डिसाइड करता है सी ठीक है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस ये जो है सेटअप हुआ था थर्ड फाइव ईयर प्लान के दौरान टारगेटेड ग्रोथ रेट था फाइव और अचीव किया था टू बिल्कुल आधा ठीक है बिकॉज इसके दौरान आपको जानते हो कि यहाँ पे इंडो चाइना वॉर हुआ था और ये सारी चीज़ें हुई थी और इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था इस वजह से जो है इतना जो टारगेटेड था और अचीव था उसके बीच में इतना अंतर है ठीक है इसके बाद क्योंकि चीज़ें सही नहीं चल रही थी तो उस पर ब्रेक लगाया गया छाछठ से लेके उनहत्तर तक 66 से लेके 69 तक कोई फाइव ईयर प्लान नहीं था तो इसको हमने बोला प्लान हॉलीडेज इसके बाद 69 से फोर्थ फाइव ईयर प्लान चालू हुआ 69 से लेके 74 तक फोर्थ फाइव ईयर प्लान चला जिसको रुद्र एलन मॉडल पे बेस बोलते हैं उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बस देख लेना इस चीज़ को ऑब्जेक्टिव इसका था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका फोर्थ फाइव फेयर प्लान का कीवर्ड है पॉवर्टी आपको कीवर्ड याद रखने हैं जैसे कि फर्स्ट फाइव फेयर प्लान का है एग्रीकल्चर दूसरा का हैवी इंडस्ट्रीज तीसरा भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज पर थोड़ा बेस था फोर्थ फाइव एयर प्लान आपका बेस था पोवर्टी इराडिकेट करने में रिमूव करने में चौदह बैंक्स को नेशनलाइज़ किया गया था इसी टाइम पे और पहला अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट भी किया गया था जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था इतनी चीज क्लियर और इसी में गरीबी हटाओ Uh, का जो है नारा दिया गया था ठीक है अगला था फिर फिफ्थ फाइव ईयर प्लान जो कि 1974 से लेकर 78 तक चला था डीपी धार मॉडल पे बेस्ड था ऑब्जेक्टिव था पोवर्टी रेडिकेशन एंड सेल्फ रिलायंस ठीक है यहाँ पे भी रिमोल ऑफ पोवर्टी था फोर्थ फाइव ईयर प्लान में और फिफ्थ फाइव ईयर प्लान भी कहीं ना कहीं आपका पोवर्टी रेडिकेशन एंड और सेल्फ रिलायंस पर बेस्ड था ठीक है यानी कि आत्मनिर्भरता जिसको हम बोलते हैं मिनिमम नीड्स प्रोग्राम चालू किया गया था इसी दौरान और ट्वेंटी पॉइंट प्रोग्राम दिए गए थे इंदिरा गांधी जी के द्वारा और आर आर बी यानी रीजनल रूरल बैंक को सेटअप किया गया था ठीक है यहाँ पे टारगेटेड और अचीवड आपको याद नहीं रखना फिफ्थ फाइव ए प्लान में इसी वैसे यहाँ पर मैंने ब्लैंक कर रखा है ठीक है अब इसके बाद आया नाइनटीन सेवेंटी एट से लेके दो साल तक रोलिंग प्लान कांग्रेस की गवर्नमेंट चली गई जनता पार्टी आई और उसने फाइव ईयर प्लान को ख़त्म कर दिया और रोलिंग प्लान ले है सेवेंटी एट से लेकिन एट्टी लेकिन इसके बाद फिर से आपकी वो गवर्नमेंट आ गई कांग्रेस की इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इस वजह से फिर से आपके फाइव ईयर प्लान चालू हो गए और फिफ्थ फाइव ईयर प्लान के बाद सिक्स भी चालू हो गया था आपका 1980 के बाद लेकिन यहाँ पे मैंने सिक्स ना लिख के सीधे इलेवेंथ लिख दिया बिकॉज बीच के जो मैंने स्किप कर दिए सिक्स सेवन एट नाइन टेन क्यों कर दिए बिकॉज उनसे उतने क्वेश्चन आते नहीं एग्ज़ाम में और अगर कोई भी आता भी है तो हम एलिमिनेट कर लेंगे जैसे फॉर एक्जाम्पल अगर पूछेगा पोवर्टी रेडिकेशन किस में तो ऑप्शन में दे देगा सिक्स सेवन फिफ्थ तो मुझे पता है किस में फिफ्थ में तो वो मैं टिक कर दूंगा ठीक है क्योंकि अगर मुझे बाकी के बारे में पता है और अगर आ जाता है तो फिर स्किप करो सीधे क्यों क्योंकि पहली बात तो देखो जो हुआ है उसी के बेसिस पर हमें चलना ज़्यादा सही रहेगा कि बजाय कि क्या हो सकता है समझ लो अभी तक नहीं आए तो हम ये मान के चलेंगे नहीं आएगा और आएगा भी तो हम एलिमिनेट कर लेंगे अभी तक जब हमने क्वेश्चन देखे मैचिंग के क्वेश्चन देखें और मैचिंग में अगर आपको दो तीन भी मैच कर लिया आपने आराम से हो जाएगा ठीक है और यूजुअली आपसे यही एक से लेकर पाँच तक और जो लास्ट के दो हैं उन्हीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं और बाकी अगर आपको लगता है तो आप अलग से पढ़ सकते हो जहाँ से आप विकीपीडिया करोगे सिंपल मिल जाएगा यहां पर मैंने जो इंपॉर्टेंट है जहां जहां से जो की हैं वो लिख रखे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे सेकेंड लास्ट फाइव ईयर प्लान था हमारा एलेवंथ फाइव ईयर प्लान दो से लेकर दो तक ऑब्जेक्टिव था रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ ये कीवर्ड है रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ थ फाइव प्लान था 2012 से लेकर 17 तक ऑब्जेक्टिव था फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ सस्टेनेबल है यहाँ पे की वर्ड यहाँ पर रैपिड की वर्ड है बिकॉज इंक्लूसिव तो पहले भी था अब यहाँ पे एक चीज़ को ऐड किया गया रैपिड होना चाहिए इंक्लूसिव ग्रोथ इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है इंक्लूजन होना चाहिए सभी का विमेन का ट्राइबल्स uh, का सब का इंक्लूजन होना चाहिए कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए सब कोई एक साथ देश को uh, आगे बढ़ रहा है तो एक साथ सबको आगे बढ़ना चाहिए दैट इज़ कॉल्ड इंक्लूजन और अब वो रैपिड बेसिस पर होना चाहिए वो इलेवन फाइव फे प्लान में बात की गई थी बिकॉज़ इंक्लूसिव तो पहले ही हो गया था ठीक है ये ये सॉरी सॉरी सेल्फ रिलायंस था यहाँ पे ना आपका एलेवेंथ फाइव ईयर प्लान में रैपिड इंक्लूसिव और ट्वेल्थ में आपका फास्टेस्ट सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव तो यहाँ पे जो की है वो फो ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान में सस्टेनेबल है अब ध्यान ये रखना है कि ये कंप्लीट नहीं हो पाया था क्योंकि दो से लेकर चौदह तक चला और उसके बाद एक जनवरी 2015 को इसको स्क्रैप कर दिया गया था और इसकी जगह नीति आयोग को लाया गया था यानी कि अब फाइव ईयर प्लान आर नो मोर यानी कि अब ये वजूद में नहीं है फाइव ईयर प्लान प्लानिंग कमीशन ये सब जा चुके हैं और प्लानिंग कमीशन की जगह ले ली है नीति आयोग ने नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और चेयरमैन इसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं यानी कि नरेंद्र मोदी हैं और सी की बात करें तो अमिताभ कांत हैं और वाइस चेयरपर्सन आपके राजीव कुमार हैं और ये एक एडवाइजरी बॉडी है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है ध्यान रखेगा ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना तो स्टैट्यूटरी है ये है आपकी नॉन स्टैट्यूटरी अब ना तो संविधान में मैंशन नीति आयोग कोई इसका आर्टिकल नहीं है और स्टैट्यूटरी इसलिए नहीं है बिकॉज कोई पार्लियामेंट के एक्ट से नहीं बनी थी ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से बनी थी दैट इज़ वाइट इट इज़ अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी इस चीज़ ने आपको ध्यान रखना है ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे वहाँ से आप इनको रिवाइज कीजिए और क्वेश्चन आपसे ही देखने को मिलेगा बाकी मैंने एलिमिनेशन टेक्निक आपको सिखा दी कैसे अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन को और कल हम लोग का आखिर पे वैसे लेक्चर रहेगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा देख लीजिएगा और मिलते हैं कुछ नए शॉर्ट्स वीडियोज़ के साथ और आप बताइए कॉमेंट में अगला शॉर्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए